नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में आगामी पंचायत चुनावों से पहले करीब 300 मुखिया और सरपंचों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य में नगर पंचायत और निगम के गठन को ध्यान में रखते हुए कई पंचायतों में भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब निगम और नगर पंचायत के गठन के बाद ही बाकी बचे क्षेत्रों में पंचायत भवन बनाया जाएगा। हालांकि यह भी तय माना जा रहा है कि अब यह काम पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि राज्य के करीब 300 पंचायतों को बदलकर नगर पंचायत और नगर निगम में तब्दील किया गया है। इन पंचायतों में अब मुखिया और सरपंच नहीं चुने जाएंगे। वहीं कई पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, अब प्रशासन ने उस पर भी रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में संपन्न होंगे। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची और मतदान केंद्र की संख्या निर्धारित होने के बाद ही पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इससे पहले वर्तमान मुखिया और सरपंच को झटका लगा है क्योंकि प्रशासन ने कई पंचायतों में चल रहे भवन निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया है। वहीं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी पंचायत चुनावों के तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची में संशोधन और दावा आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया नियत समय पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को दिया है। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए सभी जिलों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें संशोधित मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। वहीं 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना निर्धारित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद व सचिव हरेंद्र राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। आयोग ने मतदाता केंद्रों के गठन की प्रक्रिया के दौरान दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कहा गया है कि वे अपने स्तर से इसकी जांच करा लें कि मतदान केंद्र किसी थाना परिसर, किसी धार्मिक स्थल और मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर नहीं हो। बैठक में आयोग ने अप्रैल मई में पंचायत चुनाव की संभावनाओं को लेकर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तैयारियों में जुट जाने का निर्देश भी दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में 9 से 10 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले पंचवर्षीय में 10 चरणों में चुनाव कराया गया था, वहीं इस बार भी 6 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इनमें जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच और वार्ड सदस्य का पद शामिल है। इसके साथ ही आयोग की तैयारी है कि किसी भी जिले में आचार संहिता अधिक दिनों तक नहीं रहे, इसके लिए पूरे जिले में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। बताते चले कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।